गए थे। थाना अध्यक्ष को घटना के दिन जानकारी मिली थी कि बच्ची के द्वारा फोन किया गया था कि उनके साथ मारपीट कुछ गांव के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें थाना अध्यक्ष ने अपने फोर्स के साथ तुरंत रिस्पॉन्ड किया और घटनास्थल पर गए। वहाँ पे जो एक्यूज पक्ष के लोग थे उनके द्वारा महिला थाना अध्यक्ष को जो वहीं पे कोचिंग संस्था वो चलाता है कि उसने उसमें बंद कर दिया। उस पर तुरंत गरीब पदाधिकारी के द्वारा कार्रवाई की गई। वहाँ पे फोर्स भेजा गया एक्स्ट्रा और उसमें जो अपराधी उसमें संलग्न थे उनकी गिरफ्तारी की गई है, चार लोगों की टोटल, और उसके अलावा अन्य गिरफ्तारियों के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। जो अभी मैंने पीओ पे विजिट किया था उसमें यह बात देखने से समझ में आया कि जो एक्यूज पक्ष है वो एक कोचिंग चलाता है और वो जो कोचिंग उसने बनाई है वो सरकारी ज़मीन पे नाला को भर करके अतिक्रमण करके बनाया गया है। मैं अभी चिट्ठी लिखूंगा संबंधित सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, उसको जांच करा करके अतिक्रमण बात करा के हम लोग उसको तो अतिक्रमण हटाने में भी कार्रवाई जारी करें। मुझे धक्का देते हुए एक रूम में बंद कर दिए और मेरे फोर्स को अलग अलग सबको अलग अलग और उसके साथ एक एक आदमी के साथ 20-20 लोगों ने बदतमीजी की रूम में बंद कर दिया। जैसा कि जानकारी मिला है कि आपने पानी भी मांगा जब आपकी तबीयत बिगड़ रही थी वहाँ पे और आपको बोला गया कि रस्सी से बांध देंगे। हाँ, रस्सी से बांध के मारो, प्रभारी है तो क्या है, क्यों आए? पानी आपने मांगा था तबीयत बिगड़ी थी। हाँ, पानी नहीं देना है, रस्सी से बांध के मारो। फिर उसके बाद ऐसी स्थिति से फिर आप लोग बाहर कैसे निकले? आपको बंधक बनने से कौन छुड़ाया? मैंने सर मेरा प्राइवेट फोन तो उन लोगों ने ले लिया था, बार बार मांगने के बाद भी नहीं दे रहे थे, तो मेरे पास सरकारी मोबाइल था जिसको भी